drift away. आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में, जहां हम सीखेंगे कि काले लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आप कहीं से भी इसकी आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको तो ये हम नहीं बता सकते कैसे आप डाउनलोड करते हैं, लेकिन हाँ, आईएसओ फाइल अगर आपके पास ऑलरेडी है या आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप जाके आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम ये सीखेंगे कैसे आप अपने वर्चुअल पे आईएसओ फाइल के जरिए कैसे आप काले लिनक्स का डाउनलोड करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर सिंपल सा आप विंडो अगर को जनरली आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो आपके लिए बहुत आसान है, और जो नहीं जानते वो इस वीडियो को देखते रहें। तो आज हम एक वीएमवेयर एक सॉफ्टवेयर है, आज मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ। वीएमवेयर एक वर्चुअल वर्क स्टेशन है जिस पे आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर रैम। जैसे आपकी रैम है, जैसे आपकी रैम इसमें रैम देनी पड़ती है, तो जैसे आपकी ज़्यादा रैम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल्स आप यूज वर्चुअल मशीन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंडीशन में सेम कंडीशन सेम टाइम में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास वी एम वेयर वर्जन 12 है, कई वर्जन के आते हैं, हमारे पास 12 वर्जन है। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो आप कुछ ये ऐसा दिखेगा, ओपन हो रहा है, ये देखिए कुछ ये आपको इस तरह दिखेगा। आपको अगर नया वर्चुअल मशीन बनाना है, जैसे हमें बनाना है काले नेक्स्ट बनाना है नया, तो हमको क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, हम यहाँ पे शुरू करेंगे क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, और फिर यहाँ पे आपको सीडी डीवी ड्राइव है तो आप वहाँ सिलेक्ट करके आप यहाँ डीवी ड्राइव से दे सकते हो। नहीं, हमारे पास आईएसओ इमेज है अगर, तो आपको इस ऑप्शन पे टिक करके ब्राउज करना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ आपने काले लिनक्स का आईएसओ फाइल रखी है, जैसे मैंने यहाँ रखी है, तो यहाँ पे हमको जाके आईएसओ फाइल को ब्राउज करा के ओपन करना होगा। तो यहाँ पे हो गया, आपको बस कुछ नहीं करना, यहाँ नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ लाइनक्स को ऑप्शन आपको दिखा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तो आप इंस्टॉल नहीं कर रहे, आप लाइनक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ लाइनक्स टिक करके यहाँ उबंटू को 64-bit पे क्लिक करेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कौन सी लोकेशन है, जो लोकेशन इसमें दी गई है, जैसी दी गई है आप उसको चुपचाप कुछ नहीं छूना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये हार्ड डिस्क की साइज़ पूछ रहा है, क्या हार्ड डिस्क साइज़ देना चाहते हो। बेसिकली ये सी में स्टोर होती है, अगर आपकी सी बहुत कम है तो आप इसको सी में कम ही दीजिए, लेकिन 20 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी, तो आप 20 GB दिए। ध्यान दें सी की साइज़ हमेशा बड़ी होती है, तो आप अपने अगर सी की साइज़ बड़ी है तभी आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, अन्यथा आपकी कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाएगा। जब सी की साइज़ बड़ी है तो आप 20 GB या फिर एक्सपेरिमेंटली और कुछ ज़्यादा भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप यहाँ पे मैं 20 GB सिलेक्ट रहूँगा, फिर नेक्स्ट कर दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट फिनिश करूँगा, ठीक। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ से प्ले प्ले बॉटम से प्ले कर सकते हैं या फिर प्ले वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन पे जाके, ठीक, यहाँ से आप मेमोरी पे क्लिक करके यहाँ से आप रैम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से जानेंगे। यहाँ पर रैम मेमोरी पर क्लिक करके यहाँ पे आप दो जी बी करनी है तो 2048 आप यहाँ लिख देंगे, तो ये 2 GB आपकी कर देगा, ओके कर देंगे। तो ये देखिए आपकी रैम जो है 2 GB की आपकी उबंटू में, मतलब लाइनक्स उबंटू का ही है, लाइनक्स का वर्जन है, बस हम काली कर रहे हैं, लेकिन इसमें काली ऑप्शन में नहीं था इसलिए हमने उबंटू सिलेक्ट किया 64-bit, ओके। फिर रैम 2 GB सिलेक्ट करके हम इसे प्ले कर देंगे। अब ये देखिए प्ले बॉटम पे क्लिक करेंगे, अब ये वर्चुअल मशीन रन करेगी, आईएसओ फाइल से इमेज लेगी और आपकी कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल कर देगी। वीएमवेयर रन कर रहा है, ये देखिए अब एक विंडो आता है आपके सामने काले लिनक्स को ऐसे इंस्टॉल कर। तो आपको इंस्टॉल पे जाके, इसे इंस्टॉल पे जाएंगे, यहाँ माउस नहीं कीबोर्ड काम करें, इंस्टॉल पे जाके आपको एंटर करना है। अब ये रन करेगा, टाइम दीजिए थोड़ा, मेरा थोड़ा स्लो पीसी हो गया है क्योंकि मैंने कई इस पर रन कर एप्लीकेशन वर्चुअल मशीन्स कई उसमें रन करा दी इसलिए थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ ये पूछ रहा है ये कैसे आप क्या कौन सी लैंग्वेज चाहिए आपको, तो आप इंग्लिश पे रहेंगे तो इंग्लिश पे क्लिक कर देना है, यूनाइटेड स्टेट वही 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 छोड़ देना है, इंटर करना है। उसके बाद अमेरिकन इंग्लिश जो पूछ रहा है जो चाहिए आपको,
ठीक, की मैप जो चाहिए, की मैप कीबोर्ड है किस टाइप का होना चाहिए, अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है, इंटर करना है आपको, कुछ नहीं करना। उसके बाद ये टाइम लेगा, ये सी डी रोम इंस्टॉल करेगा, हार्डवेयर डिटेक्ट कर रहा है। उसके बाद अगर आप, हाँ, विंडोज जैसे मैंने बताया था, विंडोज या अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना जानते हैं, तो इसके आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप तब भी देखना चाहते हो तो आप देखो, और इसके आगे बताया कि कैसे इंस्टॉल होगा। अगर आप करना जानते हो तो इसके आगे सिंपल सा वही यूजर नेम पासवर्ड जैसे आप उसमें डालते हो वैसे इसमें भी डालना है, सिंपल सा वही मेथड है, और आप देखते रहिए, टाइम लेगा ये। ये देखिए हो गया, अब आपसे हार्डवेयर डिटेक्ट करेगा पूरा, पूरी नेटवर्क हार्डवेयर जितनी भी हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे आपका यूजर नेम होस्ट नेम पूछ रहा है। अब अगर अगर होस्ट नेम मतलब कंप्यूटर नेम होता है, आप यहाँ काली लिख के कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिनक्स लिख दीजिए, काली लिख दीजिए, हम लाइनक्स लिख देते हैं, ठीक, एक बार एंटर करते हैं। अब यहाँ पे डोमेन नेम पूछा, डोमेन नेम नहीं है, कुछ भी आप दे सकते हो, s.com, जैसे मेरा नाम shivam.com में दे दिया हूँ, एंटर किया, सिंपल सा। एंड यहाँ पे रूट पासवर्ड मतलब जिस रूट पासवर्ड मतलब जहाँ से आप, जैसे आप जिस यूजर ने पासवर्ड दे, सिंपल से वही पासवर्ड देना है जिससे आपको एक्सेस करना चाहते हो। यूजर को रूट यूजर है ऑटोमेटिकली जो बनता है, जैसे हमारे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, इसमें रूट रहता है, तो जिस रूट को जो पासवर्ड देना चाहते हो, जैसे मैं दे चाहता हूँ 1234, मैंने 1234 सिंपल दिया, इंटर किया, आप फिर रिटाइप जैसे उसमें देते हो 1234, इंटर किया। अब ये देखिए इंस्टॉल होगा, इसके आगे आपको नहीं देखने की जरूरत है, सिंपल सा फंडा, आप ऑटोमेटिकली वो पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा, ऑटोमेटिक रन करेगा, यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। ये टाइम लेता है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा अभी बीच में। ये देखिए इस टाइम पूछा, यहाँ पे आपको इंटर करना है, जैसा है वैसे ही इंटर कर देना है, उसके बाद ये प्रोसेस चलेगा। अब यहाँ पे एक गाइड पूछेगा, मतलब पार्टीशन बनाना है कि नहीं बनाना है, तो यहाँ पे ये चुपचाप कुछ नहीं यहाँ करना, इंटर करना है। ये आपकी हार्ड डिटेक्ट कर रहा है, आपने 20 GB दी थी, वही जो इसमें VMware वर्चुअल मशीन के हार्ड डिस्क SCI SATA दिखा रहा है आपका, इंटर करना है, सिंपल सा। उसके बाद ऑल फाइल और पार्टीशन मांग रहा है, वन इन वन पर एक पार्टीशन बनाना है कि आपको बार पार्टीशन करने हैं, तो हमने अभी सिंपल इंस्टॉल करना है, कोई पार्टीशन नहीं सीखना है, कोई पार्टीशन नहीं करना है, तो हम सिर्फ इंटर करेंगे। उसके बाद फिनिट पार्टीशन राइट चेंज टू दिस इंटर, आपको यहाँ कुछ चेंजिंग नहीं करना है, आपको यहाँ यस करना है, चेंजेस पूछ रहा है राइट्स करना है कि नहीं, हमने यस किया, यस कर रहा है, वो लोडिंग ले रहा है। उसके बाद ये प्रोसेस अब आगे चलेगा, बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, कम से कम आधा 1 घंटा आपका ले सकता है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, आपने जो वहाँ रूट का पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड वहाँ इंटर करोगे, उसके बाद इंटर करके आप काइलनेस के अंदर होगे, आपको कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, सिंपल इंस्टॉल होगा, उसके बाद वो खुलेगा, वहाँ पासवर्ड दीजिए, काइलनेस के अंदर होंगे आप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी होती है, तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कीप लाइक, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइब। भाई वो रेड वाला बटन है ना, उसको जरूर दबा दियो।